ये वत्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्लेड। तो गाइस फाइनली एक हफ्ते के बाद तुम लोग के लिए आज मैं फाइनली लेकर आ चुका हूँ यसमार्टीपाई का वर्ल्ड कट डाउनलोड लिंक, ठीक है। तो गाइस मुझे पता है यार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, पर गाइस उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है कि मैं लेट क्यों हूँ। तो गाइस सबसे पहला रीज़न तो ये है कि मेरे एग्जाम चल रहे थे, ठीक है। तो गाइस दूसरा रीज़न ये है कि मेरे को यार वर्ल्ड का एक सीड ही नहीं मिल रहा था कोई अच्छा, ठीक है। तो गाइस पर लेकिन यार मेरे को इतना ढूंढने के बाद एक सीड मिला, पर गाइस एग्जाम की वजह से मैं इस वर्ल्ड पर काम ही नहीं कर पाया। तो गाइस अब फाइनली मेरे जो एग्जाम्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब गाइस मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आ पाऊँ, ठीक है। और गाइस ये जो वर्ल्ड है अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसका जल्दी ही मैं एक सेकंड अपडेट भी लेकर आ जाऊंगा जिसके अंदर ये वर्ल्ड ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब गाइस इसको मैंने इतना कम बना दिया वर्ल्ड को कि नेक्स्ट अपडेट में पूरा कंप्लीट वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो उसका लाइक करना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भी नोटिफिकेशन में, ताकि अपकमिंग वीडियोस के तुम लोग के पास नोटिफिकेशन आता। तो गाइस अभी हम डायरेक्ट टूर में चलते हैं। तो ओके गाइस अभी यार मैं टूर में आ चुका हूँ। तो गाइस सबसे पहले तुम लोग को दिखाने वाला हूँ जो कि उन्होंने अपना एक घर बनाया था, ठीक है। तो गाइस ये देखो यार अंदर से और बाहर से इस घर को यार मैंने बिल्कुल सेम टू सेम कर दिया। गाइस ये देखो ऊपर मैंने झंडा भी बना दिया जिस तरीके का उन्होंने बनाया था, ठीक है। और गाइस ये देखो यार ये जितनी भी चेस्ट थी ना इधर, इन सभी चेस्ट को भी मैंने भर दिया, क्योंकि मेरे चैनल पर आधे से ज़्यादा तो ये कमेंट्स आते हैं कि चेस्ट भर के दे दो यार, ठीक है। तो गाइस इसलिए देखो जितनी भी चेस्ट है ना गाइस सब के सब मैंने पूरी भर दी है, बस ये बीच वाली चेस्ट को छोड़ के। पर ये देखो थोड़ी सी नहीं भरी, बाकी कैसे सारी चेस्ट मैंने पूरी की पूरी भर दी है, तुम लोग देख सकते हो। और गाइस आपको पता होगा उन्होंने अपनी शील्ड जो है ना उसके ऊपर इंडिया का झंडा लगाया था, ठीक है। पर गाइस हम पॉकेट एडिशन में ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए झंडे को मैंने फिलहाल वहाँ पर चिपका दिया, अगर तुम लोग को चाहिए हो तो ले लेना। बाकी AFK फार्म बना दिया जो कि ये भी बेडरॉक में नहीं चलने वाला, ठीक है, पर फिर भी मैंने इसको बना दिया। और गाइस देखो ये जो उन्होंने अपना आर्मर स्टैंड बनाया था, ठीक है, इसके ऊपर मैंने गाइस डायमंड का आर्मर रख दिया है, साथ में गाइस इसके अंदर दबा के मैंने सारी अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट्स जो है वो भी लगा दिए हैं। गाइस आपकी इन्वेंटरी में पहले से ये एक आर्मर होएगा, अगर तुम लोग को ये चाहिए तो तुम लोग ले सकते हो। बाकी गाइस ये देखो यार ये रहा मैप, ठीक है, जो कि उन्होंने अपनी वॉल पर ट्रेस करवाया था, ठीक है। तो गाइस ये देखो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो यार ये जो आपको ग्रीन ग्रीन आइकन दिख रहा होगा गाइस इस तरह इस अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, पर गाइस आप थोड़ी सी ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ पर एक विलेज भी मिल जाएगा, अगर तुम लोग को विलेज में भी जाना तो तुम लोग विलेज में भी जा सकते हो। तो बाकी गाइस ये देखो यहाँ पर उन्होंने क्रॉसबो जो लगाया था, इस क्रॉसबो को भी मैंने लगा दिया है गाइस, जिसको मैंने पूरा एन्चेंट कर दिया है। अब गाइस हम ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ जो उन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी इसको मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। बाकी गाइस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार ये बर्फ़ कहाँ से आ रही है, ठीक है, मैं तो नहीं गिर रहा फिर भी गाइस बर्फ़ आ ही रही है। बाकी गाइस छोड़ो इसको, ये देखो गाइस जो उन्होंने चेस्ट रखी थी इसके अंदर मैंने लैपिस लाजुली पूरी की पूरी भर दिया जैसे कि उन्होंने भरी थी। और गाइस इस तरह में आपको ये देखो ये जो लीवर है ये देखने को मिल जाएगा, तुमने इसको दबा देना सारी सारी बुक सेल्स गायब हो जाएंगी, इसको दोबारा से दबाना सारी बुक सेल्फ आ जाएंगी, ठीक है। गाइस ये देखो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो। बाकी गाइस ये देखो जिस तरह की उन्होंने जो रूफ बनाई थी इस रूफ को भी मैंने ऐड कर दिया। और गाइस ये देखो उन्होंने घर के पीछे की तरफ ही नीचे उतरने का रास्ता बनाया था, तुम लोग यार बाता भैया को यहाँ पर ला भी सकते हो और उतार भी सकते हो, ठीक है। और गाइस ये देखो इस सीढ़ियों को भी मैंने बना दिया। बाकी गाइस पीछे की तरफ में भी एक मैंने दरवाजा लगा दिया जैसा कि उन्होंने लगाया था। तो बाकी यार अगर हम कुछ इस तरह में आगे तो तुम लोग देख सकते हैं यार जो कि उन्होंने ये बनाया था अपना जानवर के लिए घर, इसको मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो गाइस ये देखो यार यहाँ पर आपको पहले ही एक व्हाइट कलर का घोड़ा दिख जाएगा, पर गाइस ये बाता भैया नहीं है, ठीक है, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। और गाइस ये देखो वो दूसरा वाला घोड़ा जो कि वो लेकर आए थे उसका फ्रेंड, ठीक है, तो गाइस ये वही है। साथ में गाइस पोलर बियर को भी मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और गाइस ये देखो ये रहा उनका ये नेदर पोर्टल, ठीक है। बाकी यार अगर तुम कुछ इस तरह में आगे तो तुम लोग देख सकते हैं यार जो कि उन्होंने ये शीप फार्म बनाया था, ठीक है, मतलब मैंने शीप्स को भी यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। और गाइस मैंने ज़्यादा शीप्स को नहीं रखा, नहीं तो यार आपकी जो गेम है वो करने लग जाती है, ठीक है। और बाकी गाइस अगर तुम कुछ इस तरफ में आगे तुम लोग देख सकते हैं जो कि उन्होंने बनाया था चिकन वाला फार्म, ठीक है। गाइस इसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। और गाइस ये यार जो उन्होंने जिस तरीके का बनाया था वैसा तो नहीं है ये, ठीक है, पर गाइस यार ये काम कर रहा है, क्योंकि जो वो उन्होंने बनाया था ना यार वो काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, पर गाइस ये काम कर रहा है। बाकी गाइस अगर तुम कुछ इस तरह में आगे तुम लोग पता होगा उन्होंने इस तरह में कुछ खेती करी है, तो खेती को यार मैंने ऐड कर दिया। वो देखो गाइस सामने मैंने शुगर केन के वो भी लगा दिए हैं जिस तरह से उन्होंने लगाए थे। और गाइस ये देखो मुझे एक सीन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो गाइस ये देखो यार पूरी की पूरी है इधर एक बड़ी सी फैमिली बैठी हुई थी यार, इधर एक बड़ा सा पोलर बियर था वो मुझे पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। पर गाइस ये देखो यार ये पोलर बियर का बेबी रह गया यहाँ पर, ये मुझे नहीं पता यार कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। पर गाइस चलो छोड़ो हम इस तरफ में चलते हैं, तो तुम लोग को यहाँ पर उनका वाटर कैसल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये मेनली उन्होंने बिल्ड क्यों किया था, क्योंकि वो कह रहे थे उनको फालतू घर में रहने की आदत नहीं है, ठीक है, तो गाइस इसलिए उन्होंने ये कैसल को बिल्ड किया था, ठीक है। तो गाइस इसको तो मैंने बिल्कुल सेम टू सेम कर दिया, ठीक है। तो गाइस ये देखो यार ये रही उनकी वो बिल्लू, ठीक है, इस तरह में तुम्हें देखने को मिल जाएगा असली बाता भैया, ठीक है। तो गाइस वो देखो वो नकली बाता भैया, उसको जाने दो, ठीक है। और गाइस यहाँ पर तुम्हें ऊपर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा, तुम लोग इस तरह से ऊपर भी जा सकते हो। और इस तरफ गाइस तुम्हें ये देखो जो वॉच टावर उन्होंने जिस तरीके की ऐड करे थे गाइस, वॉच टावर को भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब गाइस ये देखो इसको तो मैंने बिल्कुल सेम टू सेम कर दिया, अगर तुम लोग को इसके अंदर जाना है तो तुम लोग जा सकते हो।
तो बाकी यार अगर तुम कुछ इस तरह में आगे तो लोग देख सकते हैं जो कि उन्होंने बनाया था एक गन पाउडर का फार्म, ठीक है गाइस, इसको भी मैंने ऐड कर दिया और ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ठीक है आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये देखो अभी तो फिलहाल गाइस इसके अंदर कितना गन पाउडर आया और गाइस इसके अंदर फिशेज जो है अपने आप ही स्पॉन हो रही हैं, क्योंकि यार मैंने इसको डीप ओशन में बनाया है तो फिशेज गाइस अपने आप स्पॉन हो रही हैं, ठीक है। तो गाइस मुझे नहीं पता क्या सीन है पर गाइस फिशेज आ रही हैं फिर भी, और गाइस एक गन पाउडर जो फार्म है इसको मैंने बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया और ये बड़े अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है, ठीक है। और गाइस ये देखो उन्होंने इसके पीछे एक AFK करने के लिए जो जगह बनाई थी इसको भी मैंने ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा ऊँची, अगर तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जा सकते हो। तो गाइस अभी मैं तुम लोगों को लेकर आ चुका हूँ लास्ट अपडेट की तरफ, ठीक है। तो गाइस तुम लोग को पता होगा उन्होंने इस तरह में रेड फार्म जो है ये बनाया था, ठीक है। तो गाइस इसको भी मैंने बनाया, इतना खुश था मैं, मुझे लगा ये काम करेगा पर लेकिन गाइस ये काम ही नहीं किया पॉकेट एडिशन में, ठीक है। ये देखो ये बिल्ली अभी भी मुझे नहीं पता क्यों स्पॉन हो गई, ठीक है। आपको गाइस मैं ऊपर चलकर दिखा देता हूँ इसको, गाइस मैंने बनाया तो बिल्कुल सेम था, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी यार बिल्कुल सेम था पर गाइस ये काम ही नहीं कर रहा, तो उसके पीछे यार काफ़ी सारे रीजंस होते हैं मुझे नहीं पता क्यों। पर गाइस ये देखो इसको मैंने बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया, गाइस जो लिफ्ट है यार तुम लोग इधर से ऊपर आ सकते हो, ठीक है, इस बटन को दबाओगे तुम लोग तो ये देखो वैसे ये रास्ता भी खुल जाता है, ठीक है। मतलब गाइस इसको मैंने बिल्कुल सेम टू सेम बनाया और इस तरह में गाइस ये देखो मैंने वो भी लगा दी है जैसे कि उन्होंने रेल लगाई थी, ठीक है। अब गाइस इस वर्ल्ड के अंदर बस एक चीज़ ही बची है जो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। गाइस ये देखो तुम लोग को करना है क्या, ये बटन दबा देना है और इधर ये एक बंदा स्पॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, तो गाइस ये देखो फिर ऐसा करने के बाद जो रेड है यार वो ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। पर गाइस ये देखो जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है ना यार रेड आते ही नहीं, ठीक है, मुझे लगता है यार इनको अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा स्पॉन होने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये देखो ये जैसे ही पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये देखो कुछ भी नहीं हुआ, तो गाइस तुम लोग यार एक ही काम कर सकते हो, इनको ऐसे स्पॉन करवा के मारो और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो गाइस अभी तो इस वर्ल्ड में दिखाने लायक कुछ भी नहीं बचा, जो जो मैंने इस वर्ल्ड में बनाया था तुम लोग को मैंने उसका टूर दे दिया, ठीक है। तो गाइस अभी डाउनलोड के प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि अगर वर्ल्ड को डाउनलोड करना है तो कैसे करना है। तो गाइस यार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ के फाइल को डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने गाइस जहाँ पर भी फाइल को डाउनलोड किया वहाँ पर चले जाना है, ठीक है। मैंने गाइस डाउनलोड्स में किया तो मैं फटाफट से वहाँ पर चले जाता हूँ, ठीक है। और हाँ गाइस उससे पहले आपको एक मैं बात बताता हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग यार ये बोलते हैं कि आपको वो पता नहीं चल पा रहा कि जो फाइल है उसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो गाइस तुम लोग पासवर्ड गलत भरते हो, पासवर्ड अच्छे से डाला करो तो ये वर्क करेगा, ठीक है। फिर गाइस आपको वहाँ पर दिख जाएगा Yessmartypie वर्ल्ड बाय Yabhi Dhiman YT version 1, ठीक है। तो गाइस इसका version 1 अराउंड 6 MB का ही है, ठीक है। आपने गाइस इस पर एक क्लिक करके एक्सट्रैक्ट वाले बटन पर दबाकर दोबारा से डिवाइस मेमोरी के अंदर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद गेम्स का फोल्डर ढूंढ कर कॉम्प्यूटर में जाएंगे पर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स के अंदर ले जाकर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर गाइस ये मांगेगा पासवर्ड, ठीक है। तो गाइस अगर आपने मेरी वीडियो जो है वो देखी होगी तो आपको पासवर्ड जो है मिल जाएगा, फिर गाइस नहीं तो वीडियो देख लो आपको जो पासवर्ड है वो मिल जाएगा। तो ओके गाइस जैसे कि लोग देख रहे हैं जो पासवर्ड था यार अभी मैंने उसे भर दिया, ठीक है। पासवर्ड दबाने के बाद तुम लोग को ओके कर देना है, फिर गाइस जैसे तुम लोग माइनक्राफ्ट खेलोगे जो Yessmartypie का वर्ल्ड है तुम लोग को दिख जाएगा, आराम से उसे प्ले कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं आने वाली, ठीक है। तो पर गाइस अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। नहीं तो गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर आप तुम मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो में मैं एम करता हूँ ओनली 11 लाइक्स का, तो फटाफट से जो लाइक गोल है उसे कंप्लीट कर दो। और हाँ गाइस जो भी चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो विद नोटिफिकेशन ताकि ऐसी वीडियोस के तुम लोग के पास नोटिफिकेशन आते रहे। और हाँ गाइस एक बात आपको मैं जल्द बता दूं, जल्द ही Yessmartypie के वर्ल्ड का अपडेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।